दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सेठ और आपका हमारे इस छोटी सी यूट्यूब चैनल सेठ इन व्यू में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि आने वाले वीडियो में मैं पंजाब यूनिवर्सिटी के ऊपर मैं एक टूर वीडियो लेकर आऊँगा। टूर वीडियो मतलब कि जैसे कि बेसिकली उसका इंजीनियरिंग का दो डिपार्टमेंट है, एक है UICT यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और एक है UIT यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। मैं आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ कि आप कैसे पंजाब यूनिवर्सिटी पहुँचेंगे और उसका गेट किधर है, उसमें डिपार्टमेंट किधर है, इसमें गांधी भवन कहाँ है, बॉयज हॉस्टल कहाँ कहाँ है, गर्ल्स हॉस्टल को दिखाऊंगा कहाँ है। और दोस्तों, धीरे धीरे मैं आगे जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ती जाएगी, वीडियो में मैं दिखाने जा रहा हूँ कि जैसे कुछ बच्चे होते हैं, सुने होंगे कि उनको हॉस्टल स्टार्टिंग अवस्था में अलॉट नहीं होता। तो बेसिकली होता क्या है कि अगर आपको पंजाब यूनिवर्सिटी में स्टार्टिंग स्टेट में अगर हॉस्टल अलाट नहीं होता तो क्या होता है कि बच्चों को PGI में रहना पड़ता है 1-2 महीने के लिए। तो बेसिकली PGI कुछ होता नहीं, या गेस्ट रूम ही होता है, मतलब आप रूम का भाड़ा लेंगे फिर तो आपको 1-2 महीना उधर ही रहना पड़ेगा। जैसा कि बेसिकली अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है हम लोगों की भी, तो जैसा कि मैं भी घर पर ही था लेकिन मैं सोचा कि अब चलता हूँ यूनिवर्सिटी, क्योंकि काफी दिन हो गए थे मेरे को आए हुए भी। तो मैं अब भी यूनिवर्सिटी में रेगुलर जाता हूँ और मैं अभी गेस्ट रूम लेकर ही दे रहता हूँ और मेरे कुछ दोस्त हैं। तो बेसिकली होता क्या है दोस्तों कि बेसिकली जो गेस्ट रूम को होता है वो अब एक तरह से पेइंग रूम होता है, आप पैसा देंगे तो रूम मिलेगा आपको, तो आपको रहना पड़ेगा। और आप यहाँ पर जैसे बेसिकली हमने एक साइकिल भी ली है ताकि यहाँ पर रेगुलर आ जा सकें, उतना दूर ट्रैवल हो रहा है, बेसिकली टेम्पू का पैसा बचा रहे हैं। तो इस तरह से क्या है कि आगे आगे धीरे धीरे चलते रहेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको वीडियो में आगे ले चलता हूँ, देखता हूँ क्या क्या होता है, कैसे कैसे क्या नहीं होता। तो चलते हैं वीडियो में आगे और आपको दिखाएंगे पंजाब यूनिवर्सिटी में गेट नंबर कितने हैं, बॉयज हॉस्टल किधर है, गर्ल हॉस्टल किधर है, और देखते हैं इसमें कैसे कैसे मजे हैं। ओके दोस्तों, हम निकल चुके हैं पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ। इससे पहले हम पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज का दर्शन करेंगे, देखते हैं वहाँ कैसा है क्या है। चलिए दोस्तों, चलते हैं पंजाब इंजीनियरिंग की तरफ। दोस्तों, हम आ चुके हैं पेक में, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में। दोस्तों, यह रखा हुआ हेलीकॉप्टर इनकी काफी शोभा बढ़ाता है। इसके बगल में टेनिस ग्राउंड है और इसके जस्ट अपोजिट इनका ग्राउंड है। जैसे जैसे हम ग्राउंड में जाएंगे अच्छा लगेगा देखने में। और इससे जो रोड हमें ले जाता है यह कॉलेज के अंदर ले जाता है। यहाँ पर काफी सिक्योरिटी गार्ड लगे हुए हैं, आज संडे है तो यहाँ पर इलेक्शन भी हो रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं PGI पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल की तरफ। तो दोस्तों, आपने PGI का एंट्री पॉइंट और ओवरव्यू देख लिया होगा। हम आ चुके हैं PGI के ग्राउंड के पास। ये कॉम्प्लेक्स ग्राउंड है, यहाँ पर केवल इनके मेंबर जो यहाँ पर वर्क करते हैं उन्हीं को यहाँ पर खेलने की अनुमति है। तो दोस्तों, आपको दिखाता हूँ जूम करके यहाँ पर कैसे क्रिकेट खेल रहे हैं। आज संडे है यहाँ पर, तो यहाँ पर देख रहे होंगे सीनियर लोग खेल रहे हैं, यहाँ पर लेदर के बॉल से क्रिकेट खेला जा रहा है। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ चलते हैं। दोस्तों, हम आ चुके हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 1 के पास। दोस्तों, इस गेट के नंबर 1 के पहले बस स्टैंड पड़ता है, इसके जस्ट अपोजिट उस रोड पर PGI का गेट पड़ता है। दोस्तों, यह सारी बसें चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग के अंदर आती हैं। दोस्तों, आप यहां से कहीं भी चंडीगढ़ में जाना हो यहां से बस पकड़ सकते हैं। इसके पास ही दोस्तों आपको कुछ खाने का मिल जाएगा।
दोस्तों हम चलते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 1 के पास। दोस्तों अभी पंजाब यूनिवर्सिटी का जो गेट है बड़ा वाला बंद है क्योंकि ऑनलाइन है, कोरोना है, लेकिन एंट्री स्मॉल गेट से मिल जाएगी। आपको मैं स्मॉल गेट का व्यू दिखा देता हूँ दोस्तों, यह छोटा सा है। और दोस्तों अब मैं आपको फ्रंट भी दिखाऊंगा गेट नंबर 1 का। दोस्तों यह है फ्रंट व्यू। अब दोस्तों हम एंट्री के गाइडलाइन पढ़ लेते हैं। दोस्तों यह है पंजाब यूनिवर्सिटी के कैंपस में एंट्री का गाइडलाइन। अगर दोस्तों आपके पास यूनिवर्सिटी का कोई स्टिकर है तो आप किसी भी गेट से एंट्री ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें केवल जिसके पास स्टिकर नहीं है उनके लिए गेट नंबर 1 और गेट नंबर 2 से एंट्री के लिए दिया गया है गाइडलाइन, आप उसे पढ़ लीजिएगा। दोस्तों गेट नंबर 3 में जो लिखा गया है कि वह केवल उन्हीं लोगों को एंट्री देगा जो वहाँ के रेजिडेंशियल एरिया में एम्प्लॉय जो विजिटिंग करते हैं एज ए विजिटर ग्रुप में, और यूनिवर्सिटी के गेस्ट हाउस के लोगों को ही अलाउड है। तो दोस्तों हमारा जो गेट नंबर 1 है लिखा है अपोजिट टू PGI, गेट नंबर 2 सेक्टर 15 के जस्ट अपोजिट है। जो दोस्तों जो हमारा गेट नंबर 3 है सेक्टर 25 के रोड पर है। तो दोस्तों ये पढ़ लीजिएगा आप। अब हम पंजाब यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 1 की स्मॉल एंट्री गेट से एंट्री ले लेंगे। दोस्तों आपको सामने कुछ बंदर दिखाई दे रहे होंगे, वास्तव में कुछ हुआ नहीं है। जो यहाँ के असली बंदर थे वह घर चले गए, तो ओरिजिनल बंदर आ गए हैं, देख रहे होंगे आप। अब यहाँ से हम लेफ्ट ले लेंगे ताकि हम बॉयज़ हॉस्टल 1 का दर्शन कर सकें। दोस्तों जो बॉयज़ हॉस्टल 1 है उसका नाम है मेहर चंद महाजन हॉल। दोस्तों आपको सामने दिख रहा होगा वीडियो में। अब दोस्तों हम यहाँ से बाहर निकल लेते हैं। दोस्तों हम बाहर निकलने के बाद दोस्तों हम यहाँ से थोड़ा सा लेफ्ट लेंगे और हमें इसके बल स्ट्रेट जाना है ताकि हम 2 और बॉयज़ हॉस्टल का दर्शन कर सकें। तो दोस्तों हम चलती है स्ट्रेट चलते हैं। तो दोस्तों स्ट्रेट आने पर हमें जो सामने बिल्डिंग दिख रहा है यह बॉयज़ हॉस्टल 2nd का बिल्डिंग है जो काफ़ी ही अच्छा है। तो दोस्तों आप इसका देख लीजिएगा, यह है एंट्री। दोस्तों अब आगे चलते हैं। अब दोस्तों हम जो बॉयज़ हॉस्टल का दर्शन करेंगे उसका नाम है भटनागर हॉल, जो दोस्तों यहाँ के केवल UICT केमिकल वाले बच्चों को अलॉट होता है। अब दोस्तों हम स्ट्रेट ना जाकर राइट जाएंगे। और दोस्तों चलिए चलते हैं राइट, दिखाते हैं आपको राइट में क्या क्या है, जो कि मैंने पोस्टर में लिख ही रखा है क्या क्या है राइट में। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। तो आ चुके हैं हम दोस्तों राइट में। दोस्तों आपको सामने जो दिख रहा है एक बिल्डिंग सफ़ेद टाइप का, वह गांधी भवन है, और इसके बगल में जो आपको दिख रहा है यह UICT है। यह है गांधी भवन का पास का व्यू, दोस्तों आप देख रहे होंगे यह। दोस्तों इसके पीछे जो बिल्डिंग दिख रही है इसको मैं जूम करता हूँ। दोस्तों बेसिकली दोस्तों यह जो बिल्डिंग है यह फाइन आर्ट्स म्यूजियम है। इसके पास ही में एक छोटा सा ग्राउंड है जहाँ पर बच्चे सुबह सुबह क्रिकेट खेल रहे हैं, आपको दिख ही रहा होगा। दोस्तों गांधी भवन के जस्ट सामने हमारा AC जोशी लाइब्रेरी है। यह जो बिल्डिंग है यह है हमारा AC जोशी लाइब्रेरी का बिल्डिंग, जो यूनिवर्सिटी का मेन लाइब्रेरी है। यहाँ पर सभी प्रकार के बच्चे आते हैं, स्टडी करते हैं। दोस्तों इस जो हमारा जो है लाइब्रेरी है इसके सामने ही UICT का बिल्डिंग है, जिसका मैं आपको पीछे का व्यू दिखाता हूँ। दोस्तों यह है UICT के पीछे का व्यू। दोस्तों अब मैं आपको AC जोशी के लाइब्रेरी का एंट्री पॉइंट दिखाऊँगा कि आप इसमें एंट्री कहाँ से ले सकते हैं। Thank you.
दोस्तों यह है पंजाब यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट सेंटर, यानी कि यहाँ पर स्टूडेंट लोगों का सेंटर है। यहाँ पर जब भी कोई भी प्रोग्राम होता है तो यहाँ पर ही मनाया जाता है। जैसे कि भीड़ जो क्राउड होती है बेसिकली यहाँ पर ही होती है। दोस्तों आप ऐसा समझ लीजिए जैसे कि इंडिया में होता है कि सुप्रीम कोर्ट होता है, उसी तरह पंजाब यूनिवर्सिटी भी एक तरह से स्टूडेंट सेंटर यानी कि SC, इसको लेकिन सब सभी लोग 2C कहते हैं। आप ऐसा समझिए कि यह सुप्रीम कोर्ट है पंजाब यूनिवर्सिटी का, और यहाँ के बच्चे जो है जज है। तो ऐसा ही है, आपको दिख रहा होगा आसपास कितना हरियाली है। यहाँ पर बैठने के लिए भी सीट बनाई गई है। दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी का खुद का बस है जो कि इस बच्चों को यूनिवर्सिटी में पहुँचाने का काम करता है। दोस्तों यह जो बस दिख रहा है आपको ये यूनिवर्सिटी के खुद का ही है। अभी मैं आपको इसका लोगो दिखाता हूँ कि कैसा है दिखता है लोगो। तो दोस्तों यह है, देखिए इसके पीछे लिखा हुआ है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ बस है। दोस्तों यह थोड़ा सा एक झील टाइप का बनाया गया है और थोड़ा सा ब्रिज टाइप का बनाया गया है ताकि बच्चे लोग ऊपर चढ़ के थोड़ा व्यू ले सकें कि कैसा लगता है दिखने में। दोस्तों यह यही है जो काफ़ी अच्छा लग रहा है। सुबह सुबह का टाइम है और सूर्य भगवान भी कृपा बरसा रही हैं अपनी। दोस्तों हम आ चुके हैं UICT के फ्रंट गेट की तरफ। दोस्तों यह UICT का बिल्डिंग है जो आपको दिख रहा होगा, दूर से काफ़ी सुंदर लगेगा। जैसे ही हम पास पहुंचेंगे आपको उसके जस्ट अपोजिट सामने ही है एक वाइस चांसलर का ऑफिस है जो पंजाब यूनिवर्सिटी के हैं। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, दिखाते हैं कैसा है क्या नहीं है। दोस्तों यह है UICT के पीछे का व्यू, मतलब बैक व्यू है। दोस्तों आपको उस बिल्डिंग काफ़ी अच्छा लग रहा होगा देखने में क्योंकि यह बिल्डिंग काफ़ी मजबूत बनाया गया है। दोस्तों अगर आपको किसी भी डिपार्टमेंट के ऊपर वीडियो चाहिए जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसके ऊपर एक फुल वीडियो बना दूँगा। दोस्तों यह है पंजाब यूनिवर्सिटी में स्थित एक छोटा सा रोज़ गार्डन। दोस्तों यह रोज़ गार्डन 400 मीटर लंबा है और यहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पर बैठने के लिए है। दोस्तों जिस दिन वैलेंटाइन डे या रोज़ डे होता है यहाँ पर आप जानते ही हैं कपल लोग बहुत ज़्यादा नौटंकी करते रहते हैं। यह 400 मीटर लिखा हुआ वहाँ भी है यहाँ पर। दोस्तों आगे चलते हैं, इसमें दिखाते हैं कितना लंबा है यह। दोस्तों हम आ चुके हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 2 पे। दोस्तों आप देख रहे होंगे इस गेट को, तो इसके अंदर जो सामने एक छोटा सा बिल्डिंग दिख रहा है वह USOL ऑफिस है। दोस्तों यह रोड हमें जो बाहर की तरफ ले जाती है, वास्तव में दोस्तों यह रोड आगे जाने पर एक चौराहा मिलेगा। आप उस चौराहे से अगर राइट ले लेंगे तो राइट अंदर जाने पर थोड़ा एक एलुमनी हाउस करके साउथ कैंपस मिलेगा, उसके अंदर हमारा UIT है।
दोस्तों उसी रोड पे थोड़ा सा आगे जाने पर हमारा राइट साइड में हमारा पंजाब यूनिवर्सिटी का गेट नंबर 3 है। पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर से भी आप गेट नंबर 3 पे जा सकते हैं। अब मैं गेट नंबर 2 से अंदर आ चुका हूँ। दोस्तों अब हम पंजाब यूनिवर्सिटी में स्थित सभी प्रकार के शॉप का दर्शन करेंगे। अभी सुबह का टाइम है इसलिए कुछ दुकानें बंद होंगी, पर उस दुकान के ऊपर उसका नाम लिखा होगा कि किस वह दुकान किस काम के लिए है, तो आप देख लीजिएगा। दोस्तों पंजाब और चंडीगढ़ में वर्का नाम का कंपनी है जो दूध का सारा आइटम बनाती है, जैसे अमूल का होता है, और यहाँ पर काफ़ी फेमस है। दोस्तों यह पंजाब यूनिवर्सिटी का जो पीयू मार्केट है, यहाँ पर स्टूडेंट के लिए जितने भी रिक्वायरमेंट होती है, फोटोस्टेट कराना, बुक लेना, कोई भी चीज़ खरीदना, सामान चाहिए आपको, यहाँ पर दोस्तों हर प्रकार की चीज़ें मिल जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों आपको आगे जो मिठाई की दुकान दिख रही है, यह यूनिवर्सिटी का टॉप फेमस स्वीट का दुकान है। एक का नाम है पंजाब स्वीट, दूसरे का नाम है यूनिवर्सिटी स्वीट। दोस्तों यहाँ पर जो इनका स्वीट है वह काफ़ी धाकड़ होता है, अगर आप यहाँ पर खाएँगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। और इनका चटपटा होता है, समोसे होते हैं, ब्रेड पकौड़े होते हैं, पनीर के पकौड़े होते हैं और सारे होते हैं। आप यहाँ पर आइएगा तो इसको ज़रूर खाइएगा। दोस्तों यह है पंजाब यूनिवर्सिटी में इमरजेंसी गेस्ट हाउस। अगर आपके कोई रिलेटिव यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर परमिशन लेकर आप रात भर यहाँ पर अरेंज कर सकते हैं। दोस्तों यह एक स्मार्ट बाइक नाम का एप्लीकेशन है जो हमें कहता है कि द फ्यूचर ऑफ साइकिलिंग इज हियर। इसका मतलब दोस्तों यह एप्लीकेशन साइकिल प्रोवाइड कराता है हमें, कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए कुछ पर्टिकुलर पैसे लेता है हमसे। इसका क्या है कि कभी कभी फ्री भी होता है साल में, इस टाइम दोस्तों ये फ्री है, बट परंतु लेकिन यह 50 रुपया लेता है। दोस्तों होता कुछ नहीं है, स्मार्ट बाइक नाम का एक एप्लीकेशन होता है जिसे आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ता है, फिर इसमें रजिस्टर करना पड़ता है, फिर इसके वॉलेट में 50 रुपया जमा करना पड़ता है, फिर आप यहाँ से साइकिल में क्यूआर कोड होता है उसको स्कैन कर लेंगे तो आपको यहाँ पर जो साइकिल है इलेक्ट्रिकल साइकिल होता है, आपको केवल पैर चलाना पड़ेगा पॉडल पर, आप आराम से चला लेंगे। दोस्तों इसका एक टाइम होता है, उस टाइम के बाद आपको यहाँ पर इसको जमा करना पड़ेगा। दोस्तों इसके बगल में सामने ही हमारा SBI का ATM कार्ड है, अगर आपको कैश की आवश्यकता है तो आप यहां से विड्रॉ कर सकते हैं। दोस्तों ये जो सामने पर आपको बिल्डिंग दिख रही है, ये एडमिन ब्लॉक है, काफ़ी यही अच्छा है, यहां पर ऑफिस का जितना भी काम होता हो लिया जाता है। दोस्तों जब आप गर्ल हॉस्टल में हिलेंगे तो उसके पहले आपको सेक्सुअल हरासमेंट के प्रति एक नोटिस लिखा होगा, आप इसको पढ़ लीजिएगा। अब दोस्तों हम चलते हैं कस्तूरबा हॉल गर्ल्स हॉस्टल, इसको 4th नंबर का है। दोस्तों इसी का मैंने फ़ोटो लगाया था स्टार्टिंग में। दोस्तों यह है कस्तूरबा हॉल, हम अंदर नहीं जाएंगे, बाहर से ही व्यू लेंगे, अंदर जाने की परमिशन नहीं है हमारे पास। अब हम गर्ल्स हॉस्टल 4 यानी कस्तूरबा हॉल से निकल कर सीधा स्टेट रोड पर जाएंगे, तो यह रोड दोस्तों हमें पंजाब यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 3 पर निकालेगा। दोस्तों यह है पंजाब यूनिवर्सिटी गेट नंबर 3 का व्यू, आपको देखने में अच्छा लग रहा होगा। दोस्तों यहाँ से थोड़ा सा अगर हम राइट देखेंगे तो हमारा यह सामने जो आपको दिख रहा है छोटा सा इल्मनी हाउस लिखा होगा लास्ट में, हम वहाँ चलेंगे। दोस्तों ये आ गए हम यहाँ पर, यह पंजाब यूनिवर्सिटी का साउथ कैंपस है, और जैसे ही हम अंदर जाएंगे तो अंदर जाने पर थोड़ी सी दूर जाने पर यहाँ पर इल्मनी हाउस है लेफ्ट में। दोस्तों अब यहाँ से हम अंदर जाएंगे, तो चलिए दोस्तों चलिए अंदर चलते हैं।
यह निर्जा फनोत गर्ल्स हॉस्टल 10 है। यहाँ का पोहा सबसे मस्त होता है जो खाने में, क्योंकि सबसे अच्छा है यहाँ। दोस्तों यह है रेजिडेंशियल एरिया जो कि UIT के थोड़ा दूर है, लेकिन जस्ट सामने ही है। यहाँ पर स्थानीय लोग रहते हैं, पर आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर काफ़ी थोड़ा दूर है, लेकिन कभी कभी DJ बजेगा तो आवाज़ आ सकती है, तो इससे थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। क्योंकि जब मैं पहले दिन यहाँ पर शूट करने आया था, थोड़ा सा DJ का आवाज़ आ रहा था, तो आप लोग देख लीजिएगा। अब दोस्तों हम आ चुके हैं UIT में, और UIT में हम धीरे धीरे दोस्तों आगे बढ़ेंगे, आपको दिखाएंगे। मैंने इस पर काफ़ी सारी वीडियो बना रखी है अपने YouTube चैनल पे, शॉर्ट वीडियो है, अगर आप चाहें तो उनका मैं वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से उन सभी डिपार्टमेंट में देख लेना क्या क्या मैंने दिखा रखा है। दोस्तों यह है UIT का कैंटीन का डायरेक्शन अंदर की तरफ है, मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों इसके अंदर आपको कैंटीन मिल जाएगा, आप यहाँ पर कुछ भी खा सकते हैं। अभी तो बंद पड़ा है, अभी तो आप कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पर, केवल चाय मिल सकती है क्योंकि चाय बनाने वाले लोग यहाँ पर हैं। तो दोस्तों आगे चलता हूँ मैं, अब मैं दिखाता हूँ दूर से ही आपको व्यू दिखा दूँगा UIT का, क्योंकि मैं बहुत पास जाना नहीं चाहता, क्योंकि आज संडे है तो यहाँ पर डिपार्टमेंट बंद है और पुलिस वालों ने यहाँ पर बैरिकेडिंग लगा रखी है, अंदर जाने का परमिशन नहीं है। दोस्तों यह है पंजाब यूनिवर्सिटी का एक स्पोर्ट्स का डिपार्टमेंट है जो सारे स्पोर्ट्स को ऑर्गेनाइज कराता है। यहाँ पर स्विमिंग का गेम होता है दोस्तों। दोस्तों यह डिपार्टमेंट का काफ़ी बड़ा और बिगेस्ट समझ लीजिए ग्राउंड है, जहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे दौड़ने, फुटबॉल खेलने, हॉकी खेलने, बास्केटबॉल खेलने, काफ़ी चीज़ें करने आते हैं। और यहाँ पर दोस्तों काफ़ी भीड़ भी होती है, आप जब यहाँ पर आएंगे तो आप इसका एक बार ज़रूर टूर मारिएगा, ताकि यह डिपार्टमेंट समझ लीजिए सारी चीज़ें तो एक तरह से टूर है ही, समझ लीजिए यह जो ग्राउंड है इनका खुद का ही एक अलग ही टूर है।
जैसा कि आपको दोस्तों मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, ये जो देख रहे हैं यहाँ पर हॉकी होता है। अब दोस्तों हम यहाँ पर नोटिस बोर्ड पढ़ लेते हैं कि हमें कब अलाउ किया जाएगा आने के लिए इस यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में। तो दोस्तों यह है पंजाब यूनिवर्सिटी का नोटिस कि हम कब आएंगे यहाँ पर। दोस्तों यहाँ पर दो टाइमिंग है, सुबह आप 6 बजे से 8 बजे तक आ जा सकते हैं और इवनिंग में 4:30 बजे से 6:30 बजे तक आपको यहाँ पर ग्राउंड में आप जो भी करना चाहें कर सकते हैं। दोस्तों याद रखिए यहाँ पर आउटसाइडर को अलाउड नहीं है, सभी पर्सन को अपना पानी और मास्क लेकर आना है, सैनिटाइज़र भी लेकर आना है। आपको एंट्री करना होता है, बुक पे रजिस्टर करना पड़ता है और आप स्केटिंग नहीं कर सकते हैं ग्राउंड में और सराउंडिंग, और आपको अपना दोस्तों आई कार्ड लेकर आना पड़ेगा। दोस्तों अभी सामने आपको जो दिख रहा है पूरी तरह से पैक, यही हॉकी ग्राउंड है जो काफ़ी फेमस है। यहाँ के जो बच्चे हैं सारे सभी एक्सपर्ट हैं, ऐसा मान लीजिए। यहाँ पे जो इनके टीचिंग एक्सपर्ट इनके कोच होते हैं जो इन्हें सिखाते हैं सब चीज़ें। दोस्तों हम आ चुके हैं तेजा सिंह हॉल या बॉयज हॉस्टल 6 है। दोस्तों यहाँ पर हम सब कुछ देखेंगे क्या से A to Z चीज़ें। दोस्तों हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर पुलिस अंकल होते हैं, तो यहाँ पर पहले दोस्तों रजिस्टर होता है कॉपी, यहाँ पर हम रजिस्टर पहले अपने आप को कर लेते हैं, नाम उन चढ़ा देते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको दिख रहा होगा ब्लॉक 2nd और 3rd है और ब्लॉक 1st और 4th दोस्तों वह मेस कैंटीन की तरफ जाता है। दोस्तों हम 2nd और 3rd ब्लॉक की तरफ चलते हैं। इसमें दोस्तों हम आपको दिखाएंगे बॉयज हॉस्टल कहाँ है, बॉयज हॉस्टल मतलब हॉस्टल रूम कैसा होता है आपको दिखाते हैं। दोस्तों अब यहाँ से जो हम जो ले राइट में हमारा है यह हॉस्टल के अंदर जाता है, तो हम यहाँ से मुड़ जाते हैं। दोस्तों देखिए इस तरह का होता है बॉयज हॉस्टल, ऐसे ही सेम लड़कियों का भी होता है। दोस्तों यह हॉस्टल रूम है, मैं हॉस्टल रूम को थोड़ा दिखाता हूँ। अभी थोड़ा बंद हो गया क्योंकि ऑनलाइन है, कोरोना है, कुछ ही हॉस्टल को अलाट किया गया, खुला गया है। दोस्तों ऐसा ही गेट होता है, आपको अंदर रूम मिलेगा ऐसा ही। तो दोस्तों देख रहे होंगे इसी को देखने के लिए काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट किया था, तो दोस्तों यह है आप देख लीजिएगा। अब यहाँ से दोस्तों मैं बाहर निकल लेता हूँ। दोस्तों ये आपको जो नंबर दिख रहा है यह हॉस्टल में रूमों की संख्या है। दोस्तों अब हम मेस और कैंटीन की तरफ चलेंगे। दोस्तों यह भी हॉस्टल का रूम ही है अंदर जाकर, तो आगे चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर लाइन वाला इलेक्ट्रिसिटी है पावर, आप इससे दूर रहिएगा जब भी आइएगा आप यहाँ पर। तो दोस्तों यह देख रहे हैं यह भी हॉस्टल का रूम ही है। दोस्तों इसके बगल में जस्ट सामने एक है बाथरूम, जो लड़कों की तरह ही होता है, जानते हैं हॉस्टल कैसा होता है, हॉस्टल का बाथरूम कैसा होता है लड़कों का। दोस्तों इसके राइट में हमारा हॉस्टल का ग्राउंड है जहाँ पर बच्चे शाम को टेनिस वेनिस खेलते हैं, और इसके बगल में दोस्तों चिल ग्राउंड है, आप यहाँ पर चाय पी सकते हैं, कुछ खा सकते हैं कैंटीन से मंगा कर, यहाँ पानी का पीने का यहाँ वाशरूम है दोस्तों। अब दोस्तों मैं आपको मेस और कैंटीन दिखाऊंगा कि मेस में खाना उनका क्या है, नाश्ता क्या है, यह भी दिखाऊंगा लास्ट में। तो दोस्तों ये देख लीजिए, ये इस तरफ हमारा मेस है राइट में, और लेफ्ट में साइड में दोस्तों हमारा कैंटीन मिलेगा। देख रहे होंगे यहाँ पर तैयारी चल रही है खाने का दोपहर का। दोस्तों आगे चलता हूँ, दिखाता हूँ इनका कैंटीन में क्या क्या रखा है। दोस्तों यहाँ पर जानते हैं सिंपली वही सब रखा है, आप एक तरह से सारे तरह के जन ठंडे वाले आइटम, इसके बगल में आप जो लेना चाहें ले सकते हैं, यह भी वही है। इसके बगल में चॉकलेट वॉकलेट है, आप खा भी सकते हैं, बस आपको पैसे देने पड़ेंगे। वह जो बैठे हैं कैंटीन वाले भैया, देख लीजिए है बैठे हैं। दोस्तों यह मैंने मंगाया है कैंटीन से, एक पराठा है, एक मक्खन है और एक मैंने चाय ली है, और देख रहे होंगे सॉस वॉस भी रखा है, पानी भी लिया है मैंने, तो आपको यहाँ मिल जाएगी, ज़्यादा महंगा नहीं है, 13 रुपये दिया था। अब दोस्तों खाना है जो हमारा, यह इसमें पूड़ी बाकी है। जैसा कि दोस्तों आपने वीडियो में देखा, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आपको दिखाई,
बेसिकली दोस्तों आप यह समझ लीजिए कि जो भी मैंने सारी चीजें दिखाई वह एक थोड़ा सा चीज था, क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी दोस्तों काफी बहुत बड़ा है। इसका जो मेन कैंपस है यानी कि यही वाला दोस्तों, ये 550 एकड़ में फैला हुआ है, जो कि हमारा सेक्टर 14 और सेक्टर 15 को कवर करता है। दोस्तों बेसिकली इस वीडियो मैंने एक ओवर भी कर दी है कि आप कैसे आएंगे क्या करेंगे। दोस्तों अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ आती वीडियो में तो आप बेसिकली मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसके ऊपर एक अलग सा नया वीडियो बना दूंगा अगर आप चाहेंगे तो। दोस्तों अगर आपको यह चाहिए कि मैं पंजाब यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 1 से गेट नंबर 2 पे कैसे जाऊँ, गेट नंबर 2 से गेट नंबर 3 पे कैसे जाऊँ, गेट नंबर 3 से 1 या 2 पर कैसे जाऊँ, तो मैं उस पर एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा जो आपको काफ़ी बेनिफिट करेगा यूनिवर्सिटी को अपने आप में डेवलप करने में। दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता दूँ, पंजाब यूनिवर्सिटी आप समझ लीजिए यहाँ पर 78 अलग से डिपार्टमेंट है एक टीचिंग और स्टाफ के लिए, और इसमें 15 और चेयर से सेंटर कर सकते हैं, वो भी एक अलग से टीचिंग और इस रिसर्च के लिए ही डिपार्टमेंट है, मतलब समझिए 93 डिपार्टमेंट है। सोच लीजिए दोस्तों मैंने इसमें काफ़ी एक आध दो ही तीन चार ही डिपार्टमेंट को मैंने कवर किया है, जो कि मेन मेन है, और भी यहाँ पर काफ़ी सारे हैं क्योंकि यूनिवर्सिटी है ना कि एक कॉलेज है। तो दोस्तों अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में मैं अपना एक आईडी दिखाऊंगा आपको, मेरा लाइब्रेरी कार्ड का आईडी, तो आप उसको देख लीजिएगा कि इस तरह का लाइब्रेरी कार्ड आईडी बनता है। ओके दोस्तों, धन्यवाद।